नमस्कार साथियों, खबरनामा 45 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। जैसा कि साथियों, लोकसभा चुनाव आने वाले कुछ समय के अंदर होने हैं और आज जो है गांव ढींसरा के अंदर बूथ करो मजबूत के तहत यहां पर जिला महासचिव ईश्वर सिंह बागड़ी जी पहुंचे हैं, तो बसपा का यहाँ पर कंपनी शुरू कर दिया है। इस बार जो चुनाव जो होने हैं इसमें रोचक मुद्दा ये है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने SC ST का कोटा ख़त्म किया, 13 पॉइंट रोस्टर जो है लागू किया, उससे कहीं ना कहीं दलित समाज की भावनाएं बड़े पैमाने पर आहित हुई है। आइए इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। ईश्वर सिंह बागड़ी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिला महासचिव फतेहाबाद। जी ईश्वर जी, जिस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है सरकार, तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी तो है कितनी मजबूत तरह से चुनाव लड़ रही है? देखो, आज बहुजन समाज पार्टी का युवा जाग चुका है जी सर, और बाबा साहब को पढ़ करके और संविधान को जान करके ये जाग चुका है और ये चाहता है कि संविधान जिंदा है तो हम जिंदा है। संविधान को बचाने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है और वो है बहुजन समाज पार्टी। और इस लोकसभा चुनाव में हम सिरसा विधानसभा ही नहीं, पूरे देश के अंदर आज का युवा बहुजन समाज पार्टी को जीता करके इस संविधान को जिंदा रखने के लिए आज ने बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। बागड़ी साहब, सतर्क रहो सावधान रहो, किससे सतर्क रहो सावधान रहो? सतर्क और सावधान है, जैसा कि मैंने और साहब कांशीराम जी ने कहा था, बहुजन समाज पार्टी ही एक है, आप लोगों की अपनी पार्टी है। कांग्रेस और BJP एक सांपनाथ है और दूसरी नागनाथ है। हमने सतर्क इन मनुवादी पार्टियों से, BJP और कांग्रेस से सावधान रहते हुए अपनी जो खुद की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको आगे बढ़ा करके हमने इन लोगों से सावधान रहना और बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करना। बागड़ी साहब, आपकी मीटिंग में एक चीज़ और खुलकर सामने आ रही है, भी खास कर आपके निशाने पर ज़्यादातर युवा साथी और पढ़े लिखे साथी है, युवाओं को क्या मैसेज दे रहे हो आप? क्या इन साथियों को जो जिस तरीके से बेरोजगारी देश के अंदर पलट रही है, युवाओं को क्या संदेश देकर उनको आप कैटराइज कर रहे हैं? देखो, बाबा साहब का ये सपना था, हमारे जो युवा साथी हैं वो आगे आएँ, और माननीय साहब कांशीराम का भी एक सपना था कि हम हमेशा ही लेने वाले न बने, हम देने वाले बने, और हम देने वाले जब बनेंगे जब हमारी सरकार होगी। तो मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, आप जिस तरह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने युवा अवस्था में अपना घर बार त्याग करके इस देश के दलित पिछड़ों को हक और अधिकार दिलाने के लिए अपनी पूरा जीवन संघर्ष में लगाया और पार्टी में लगाया, तो मैं इन युवा साथियों से भी कहना चाहता हूँ, ये भी माननीय साहब कांशीराम और आदरणीय बहन कुमारी मायावती की तरह अपना संकल्प लेकर के इस पार्टी की को आगे बढ़ाने का काम करें, पार्टी को मजबूत बनाने का काम करें। तो साथियों, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के आगे नौकरी के लिए हाथ फैलाने की, क्योंकि जब देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा तो संविधान के अंदर हर घर से एक रोजगार मिलेगा। तो जब संविधान लागू होगा तो हमें जरूरत नहीं किसी की, तो अपने आप आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने आपको सब कुछ दे देगी। तो युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, आप नौकरियों के चक्कर में ना पड़ करके इस समाज को जगाने का काम करें, देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को लाने का काम करें। हमारे साथ शमशेर भुकल भी है, आइए इनसे बात करते हैं। जिला प्रभारी शमशेर भुकल जी युवा साथी हैं और पिछले काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के जो साहब कांशीराम की जो थ्योरी थी, एक झंडा और एक डंडा के तहत वो कार्य कर रहे हैं। शमशेर भुकल जी, वर्तमान समय के अंदर जिस तरीके से संविधान खतरे में है और आप डोर टू डोर अभियान चला रखे हैं, बूथ करो मजबूत, सावधान रहो सतर्क रहो जी। नमस्कार साहब, देखिए आज हम जिस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो एक दौर चल रहा है, ये बूथ करो मजबूत, सावधान रहो और सरकार बनाओ, हमें बूथ और यूथ दोनों को मजबूत करके साथ साथ चलना है। और सावधान रहो और सरकार बनाओ का क्या मतलब है कि जो हमारा ये दबा पिछड़ा कुचला हुआ समाज है, जो सदियों से मतलब इन लोगों के बहकावे में आकर इलेक्शन के समय में ये लोग एक रात के लिए हमारे घरों में आते हैं और हमारे लोगों को चिकनी चुपड़ी पाते हैं, तरह तरह के लालच झूठे वादे करके जो लालचा देते हैं हमें, और उसके बदले हमारे जो दबे पिछड़े कुचले हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनके लालच में आकर के, और जो बेस कीमती वोट की कीमत बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो बेस कीमती वोट हमें दिलवाया बड़े संघर्षों के बाद, उस वोट को कहीं ना कहीं ये लोग दूसरी पार्टियों में जो दूसरी व्यवस्था के लोग हैं उनको
अपना वोट ट्रांसफर कर देते हैं, जिनकी बदौलत वो पार्टियां फिर पूरे के पूरे 5 साल तक इनका शोषण करती हैं। तो बूथ करो मजबूत और सावधान रहो, सरकार बनाओ। सावधान हमें इन्हीं लोगों से रहना है, भाजपा कांग्रेस और दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं उन्हीं से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और बूथ को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जीत है वो बूथ से ही निश्चित होती है। और यदि हमारा बूथ कहीं ना कहीं मजबूत होगा तो 100% हम उस बूथ से जीत भी पाएंगे। और जो हमारा सपना आदरणीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की है, कहीं ना कहीं उसमें भी विजय हासिल कर पाएंगे। और हमारा एक अब तो एक ही सपना है कि हर मेरी बूथ से एक ही गुजारिश है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को देखते हुए अपना पूरा का पूरा समय, ये चुनाव का समय है, पूरा का पूरा अपना समय चुनाव में दें और अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारियों में, अपने गली मोहल्लों में, सब में जाकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके और जो हमारा मुखिया, जो हमारा यहाँ सांसद आए उसको जिताने का काम करे, ताकि बहन जी के हाथ मजबूत हो सके और बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बन सके। क्योंकि जितनी भी पार्टियाँ हैं वो चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र जारी करती हैं, बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कभी चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ योजनाएँ लागू करती हैं, क्योंकि आपने देखा है यूपी के अंदर 4 बार बहन जी, आदरणीय बहन जी सीएम बनी है, तो उन्होंने कोई घोषणाएं लागू नहीं की ना इलेक्शन से पहले ना बाद में। और वहाँ कितनी भी जो चाहे वो बैकलॉग का मामला हो नौकरियों में या बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ विश्वविद्यालय बनाई। और जो आज हमारे लोग, हम देखते हैं कि ये मौजूदा सरकारें हमारे समाज के लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए कितनी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, तो वहाँ बहन जी ने बीपीएल गुलाबी राशन कार्ड वाले को तो मकान बना के दिए ही, 3-3 एकड़ के पट्टे सरकारी ज़मीन में से काट के लोगों को दिए। उसके अलावा जिन लोगों के बीपीएल गुलाबी राशन कार्ड नहीं थे, जो गरीबी रेखा में आते थे, जो गरीब थे, उनको भी महामाया आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाकर देने का काम किया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप, हम आज गाँव ढिंगसरा में आए हैं तो गाँव ढिंगसरा के लोगों से यही उम्मीद कर